नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप LIC का ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हैं LIC के पोर्टल में। तो वेल, ऑनलाइन अकाउंट बनाने का फ़ायदा ये है कि आप अपनी LIC पॉलिसी की सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, साथ ही साथ अपनी पॉलिसी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी पॉलिसी का नाम जान सकते हैं, पॉलिसी का सम एश्योर्ड जान सकते हैं, ऑनलाइन प्रीमियम पे कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, नॉमिनी चेंज कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई पॉलिसी लैप्स हो गई तो उसका ऑनलाइन पेमेंट करके आप फिर से शुरू कर सकते हैं। अपने मैच्योरिटी डेट जान सकते हैं कि कब आपकी LIC मैच्योर होगी, ठीक है, और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं अगर आप अपना ऑनलाइन अकाउंट पोर्टल पर खोल लें। तो वेल, ये सब आप कर सकते हैं बिना एजेंट के भरोसे बैठे हुए। तो वेल, अगर आपने भी कोई हाल में कोई LIC पॉलिसी एजेंट के थ्रू खरीदी है तो आज ही ऑनलाइन अकाउंट बनाएं और अपनी LIC पॉलिसी की सारी इन्फॉर्मेशन जान लें, साथ ही साथ उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो वेल, ऑनलाइन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम आएंगे गूगल पे और टाइप करेंगे LIC इंडिया, जो कि एक सरकारी वेबसाइट है। उसके बाद आप कुछ इस टाइप के पेज में पहुंचेंगे। इस पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाए। उसके बाद आपको बीच में कुछ ऑप्शन दिखेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन का, इस पे आपको क्लिक। फिर उसके बाद आप कुछ इस टाइप के पेज में पहुंचेंगे, यहाँ पे आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं न्यू। फिर उसके बाद आप कुछ इस टाइप के पेज में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी LIC की सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डालना है पॉलिसी नंबर, ये आप अपने एजेंट से पूछ सकते हैं, या जो आपको बॉन्ड आपका LIC एजेंट देगा उसमें पॉलिसी नंबर दिया होता है वो आपको यहाँ पे सिंपली पुट कर लेना है। उसके बाद आपको डालना है प्रीमियम अमाउंट, जो भी किस्त आप अपने LIC की भरते हैं, चाहे मंथली, चाहे क्वार्टरली, चाहे हाफली, चाहे ईयरली, जो भी प्रीमियम आप देते हैं वो किस्त की जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। और ध्यान रखना है कि जो भी अमाउंट आप डालेंगे उसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरली होता ही है जो हमारे फ़ोन पे मैसेज आता है बैंक की तरफ से उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है प्रीमियम अमाउंट में। तो ये जो अमाउंट होगी ये आपके बॉन्ड पे लिखी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेड रंग के बॉक्स के अंदर ये प्रीमियम अमाउंट लिखी होती है। तो यही अमाउंट आपको जो है इस यहाँ पे इस कॉलम में पुट करनी है, ना कि वो डालनी है जो आपके बैंक की तरफ से आपको पैसे कटने का मैसेज आता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आप अपने LIC एजेंट से कहिएगा कि आपको बॉन्ड दे, इस बॉन्ड में आपको ये जो अमाउंट प्रीमियम दिखेगी ये आपको इस कॉलम में यहाँ पे पुट कर लेनी है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डाल लेना है, ठीक है, पासपोर्ट नंबर डाल देना है अगर आपका पासपोर्ट नंबर है। उसके बाद अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है अगर आपके पास पैन कार्ड है। उसके बाद अपना आपको जेंडर चूज़ करना है, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो चूज़ करना है। उसके बाद आई कन्फर्म करना है और उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए प्रोसीड पे क्लिक। तो वह सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो आप लॉगिन हो चुके अपने डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे आपको पॉलिसी दिखाएगा जितने आपने पॉलिसी मौजूद हमें की है। तो सेल्फ पॉलिसीज पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी पॉलिसी आपने अभी तक कर रखी है। तो वेल, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पॉलिसीज आपको दिखाना शुरू कर देगा जो आपने अभी तक खरीद रखी है, और यहाँ से आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, ठीक है। कोई भी पॉलिसी भी आप क्लिक करेंगे तो वो आपको उस पॉलिसी से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, कि कितना सम अश्योर्ड है, ठीक है, लाइफ इंश्योर्ड का नाम, ठीक है, कितनी प्रीमियम जाती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा, साथ ही साथ नॉमिनी की भी इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है ऑनलाइन अकाउंट बनाने का। आप यहाँ सकते हैं यहाँ तक कि आप वो कुछ ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रीमियम देना है, कोई पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी लैप्स की किस्तों को भी भर सकते हैं। तो इस ढंग से आप ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।